आसमान बुजदार। जब पंजाब का वजीरियाना लगा तो ये बताने के लिए कि मैं क्या लगा हूँ, वो कहता मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हूँ। उस्मान बुजदार का लेवल चेक करें, जिसने अपनी तारीफ करने के लिए इमरान खान को रखा हुआ था। उस्मान बुजदार क्या करता है, उसने क्या किया, ये खान साहब बताते थे, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि उस्मान बुजदार क्या करता है। एक दफा म्यू अस्पताल छापे के लिए गए, वहां जाकर वजह भूल गए। अपने मशीरों से पूछा कि मैं किस लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा मुआयने के लिए। तो उस्मान बुजदार डॉक्टर से अपना मुआयना कराने लगा। बाद में उसे बताया गया कि आपने मुआयना करना है, तो हैरान होकर कहने लगा मुझे पता ही नहीं था कि इमरान खान ने मुझे डॉक्टर भी रखा हुआ है। उस्मान बुजदार प्रोटोकॉल नहीं लेता था, जो 10-15 गाड़ियां उसके आगे पीछे होती थी वो उसका प्रोटोकॉल नहीं था, वो इसलिए होती थी कि साफी उन तक न पहुंच सके। इतना कम बोलता कि तस्वीरों में भी उसका मुंह बंद होता। अच्छा, खुले मुंह की तस्वीर भी ना बनाता कि कहीं तस्वीर बोल ही ना पड़े। ऊपर से जो आर्डर आता उस पर अमल करने में जुट जाता। आर्डर आया कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकालनी है, सारी रात गुब्बारे मंगवा कर हवा निकालने की प्रैक्टिस करता रहा। शाह महमूद कुरैशी की ईगो इतनी बुलंद है कि उस पर चढ़कर वो अपने IQ पर छलांग लगाए तो सारी हड्डियां टूट गई। उस्मान बुजदार का ऐसा कोई मसला नहीं है, ईगो का उसे इलम ही नहीं, IQ का पूछो तो कहते हैं मुझे क्या पता, मैं कभी IQ कहां से मिला ही नहीं। नैब ने उस्मान बुजदार को बुलाया और बुलाकर पूछा आप ही उस्मान बुजदार हैं, उसने कहा मशीरों से पूछकर बताऊंगा। नैब ने पूछा वजारत आला तुम चलाते हो, कहा मुझे नहीं याद आ रहा। पूछा आप करते क्या हो, बोला कुछ नहीं करता। तब नैब को कन्फर्म हुआ कि यही वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार है।